हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। भाई जो मेन काम है वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। एक का नाम है डायमेंशन और एक का नाम है एरर। और मुझे उम्मीद है कि डायमेंशन और एरर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट में। और कल मैंने यूनिट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि भैया फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था मैंने आप लोगों को कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, समझ रहे हो बेटा? और सप्लीमेंट्री की बात तो अभी हम लोगों ने नहीं की है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में थोड़ी सी और बात करने वाले हैं। ड्राइव्ड यूनिट के बारे में हम थोड़ी सी और बात करने वाले हैं बेटा, फिर ड्राइव्ड यूनिट के बाद फिर हम यूनिट का कन्वर्जन पढ़ेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम ड्राइव्ड यूनिट की बात करते हैं बेटा अपनी, ठीक? देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने जो एग्जाम्पल नंबर वन बना, एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे सामने ये बेटा, ध्यान से, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ है हमारे पास में क्यू स्क्वायर और यहाँ है हमारे पास में आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, हमें बताना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट की यूनिट क्या रहने वाली है, हमें ये बताना है बेटा, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, हम एप्साइलन नॉट को लेकर जाते हैं एक तरफ। हम एप्साइलन नॉट को एक तरफ लेकर गए तो ये बन गया है हमारे पास में क्यू स्क्वायर अपॉन 4πfr². चलिए बेटा यूनिट देखते हैं इसकी क्या होगी। भैया ऊपर है क्यू स्क्वायर, क्यू माने चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है हमारे पास में वो होती है एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम नीचे, 4 और पाई ये दोनों हैं कांस्टेंट, हटा दीजिए। एफ, एफ का मतलब है फोर्स, और फोर्स की यूनिट हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। आर स्क्वायर, आर का मतलब क्या है भैया आपके सामने, आर का मतलब है आपके सामने लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है आपके पास में मीटर स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि इसे सॉल्व करके बड़े आराम से हम लोग रिजल्ट बना लेंगे। चलिए बना देते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। किलोग्राम ऊपर जाएगा सो किलोग्राम की पावर -1, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर ये दोनों ऊपर जाएंगे सो मीटर की पावर -3। यहाँ सेकंड की पावर -2 है, यहाँ भी सेकंड की पावर 2 है, ऊपर जाएगा सेकंड की पावर -4, ये बन जाएगा भैया सॉरी +4, ये बन जाएगा सेकंड की पावर +4, और यहाँ बनेगा हमारे पास में a की पावर 2। दिस इज़ द यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट, ये हमारी एप्साइलन नॉट की यूनिट होने वाली है बेटा। और इस एप्साइलन नॉट का जो नाम होता है वो नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज़ द नेम ऑफ एप्साइलन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो ये हमारी एप्साइलन नॉट की यूनिट है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो बेटा, ओके? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो यार यूनिट में ना मतलब थोड़ा सा काम इंटरेस्टिंग नहीं है, यूनिट निकालने का काम इंटरेस्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ तो रही हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से, आप लोग अपना कवर करो। ये सिर्फ आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट आते ही नहीं हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आप लोगों के पास में, फॉर्मूला है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ है म्यू नॉट, यहाँ है आई और यहाँ है 2R। ये हमारे पास में फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दे दिया गिवन, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहाँ आपको ये जो म्यू नॉट दिखाई दे रहा है ना बेटा, इस म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इसका नाम है बच्चों, ठीक है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हमें बतानी है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की यूनिट,
अब हम कैसे बताएंगे? म्यू नॉट को अकेले को ले जाते हैं एक तरफ, हमारे पास में बनेगा 2BR डिवाइडेड बाय I, ठीक है, ये बन गया। अब मैंने फिर वही बात कहूँगा भैया कि फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद होंगे, फॉर्मूले आपको एकदम से याद नहीं होंगे, धीरे 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 आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। अभी तो B आपको दिख रहा है बेटा, इस B को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, मैं पीछे भी कई बार इसका यूज़ कर चुका हूँ, तो उठाकर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो म्यू नॉट इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय I, साथ में है हमारे पास में Fq V, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं इसकी यूनिट, कि भैया इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब देखो यार यूनिट कैसे लिखेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा इसके बाद में क्या है भाई हमारे पास में, इसके बाद में है हमारे पास में R, R का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है हमारे पास में मीटर। यहाँ क्या है हमारे पास में फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास में किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 अपॉन I, I का मतलब होता है एम्पियर, ठीक है बेटा, चार्ज का मतलब होता है एम्पियर सेकंड, वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर सेकंड इनवर्स। लो भैया अब तुम्हें इसे सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, आराम से इसे सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पुट कर देंगे, और यही बन जाएगी यूनिट ऑफ म्यू नॉट, जिसका नाम है आपके पास में एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ऐसे हमने दो टर्म की यूनिट निकाली बेटा, एक का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दूसरे का नाम है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, और इन सभी यूनिट्स का नाम है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट का यूज करके रिजॉल्व करते हैं, वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, एक दो एग्जांपल और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, फिर बात खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा। चलिए स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग आगे, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा हमारे पास में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास में वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास में। वैसे तो वोल्टेज की हमारे पास में यूनिट फिक्स है, वोल्ट होती है, लेकिन हमें इसके यूनिट चाहिए किलोग्राम मीटर और सेकंड के टर्म में। ये जो वर्क आपको दिख रहा है ना बेटा, वर्क, ये वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास में ये, चार्ज की जगह हम लिखेंगे एम्पियर सेकंड। एनर्जी की जो यूनिट है ये हमारी ऊपर वाली है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, और नीचे है हमारे पास में चार्ज, जिसकी जगह हम लिखेंगे एम्पियर सेकंड। तो वोल्टेज की जो यूनिट हमारी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर की पावर -1 सेकंड की पावर -3। दिस इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज। इन दोनों को हम ऊपर ले गए तो यहाँ से हमारी निकल गई वोल्टेज की यूनिट। ऐसे करेंगे बेटा हम लोग, बहुत ही आसान है। एक दो और देख लेते हैं, जैसे नंबर 4 पर हमारे सामने आया रेजिस्टेंस, हम नंबर 4 पर बेटा हमारे सामने जो आता है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देखो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है वोल्टेज अपॉन करंट। अब हमें देखनी है इसकी यूनिट, कि भैया इसकी यूनिट क्या होने वाली है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में ये है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज की यूनिट अभी हम लोगों ने निकाली है, जस्ट क्या निकाली है भाई, हमने निकाली है किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर की पावर -1 सेकंड की पावर -3, और I, I माने करंट, और करंट का मतलब होता है एम्पियर। ये जो अपॉन में I है इसका मतलब एम्पियर से है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा बेटा हमारे पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर
एम्पियर की पावर माइनस टू सेकेंड की पावर माइनस थ्री, दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारी रेजिस्टेंस की यूनिट होगी बेटा, ठीक है। ओके, एक फाइनल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, और ये समझ लीजिए कि इस एग्जाम्पल के बाद कहानी ख़त्म। वैसे तो यूनिट बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी मेन 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 यूनिट्स थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब हम यूनिट के एप्लीकेशन या यूनिट पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। पाँचवें नंबर पर जो हमारे सामने आता है इसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। ये हमारे पास में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है बेटा। चलिए अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट कि भाई इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी यूनिट, ठीक है। देखो यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट आप लोगों ने जस्ट अभी निकाली, क्या निकाली, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर की पावर माइनस टू सेकेंड की पावर माइनस थ्री। एरिए की यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट है मीटर, ठीक है बेटा। इससे ये कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे हम लोग तो रिजल्ट निकल जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर की पावर थ्री, एम्पियर की पावर माइनस टू सेकेंड की पावर माइनस थ्री। दिस इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये होगी हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है बेटा। तो मेन मेन जितनी भी यूनिट हमारे सामने हो सकती थी उन सब की बात हमने आपके सामने कर ली है बेटा। अब आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जल्दी से नोट करिए बेटा। ओके स्टूडेंट, अब आ जाता है बेटा हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बेटा। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। अब समस्या क्या हुई, मान लो इंडिया के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, इंडिया के साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया उन टर्म्स में जो इंडिया के अंदर चलन में है। मान लो कि इंडिया में लंबाई को फुट में मापा जाता है, तो यहाँ के साइंटिस्ट ने लंबाई को फुट में मापकर एक्सपेरिमेंट किया। कोई एक्सपेरिमेंट यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ, मान लीजिए कि वहाँ लेंथ मापी जाती है यार्ड में, ठीक है बेटा, तो उन्होंने यार्ड में मापकर लंबाई में एक्सपेरिमेंट किया। फ्रांस के अंदर मीटर में मापी जाती है, यूएसए के अंदर यार्ड में मापी जाती है। मतलब हमारे सामने समस्या ये आ गई कि अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपने कंट्री के अंदर चलने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग किए, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि फिज़िक्स के अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं, कितने सिस्टम होते हैं, यानी कितने सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ की यूनिट को तय कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, हम बेसिकली फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं चार सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम है हमारे पास में CGS। नंबर टू सिस्टम है बेटा हमारे पास में FPS। नंबर थ्री सिस्टम है हमारे पास में MKS। और नंबर चार सिस्टम है हमारे पास में SI सिस्टम। लो बेटा ये चार सिस्टम हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, CGS, FPS, MKS और SI। सबसे पहले हम बात करते हैं CGS की। ये सबसे पुराना सिस्टम है, सबसे पुराना यानी आप ये समझ लो कि न्यूटन के ज़माने में जितनी भी कंट्रीज होती थी वो सभी इसी सिस्टम को फॉलो करती थी। CGS सिस्टम के मुताबिक कोई भी लेंथ होगी,
कोई भी लेंथ होगी उस लेंथ को हम मेज़र करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। कोई भी मास होगा उस मास को हम मेज़र करेंगे ग्राम में, और कोई भी टाइम होगा उस टाइम को हम मेज़र करेंगे सेकंड में। ये CGS सिस्टम की कहानी है। CGS सिस्टम के मुताबिक लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, मास को मापेंगे ग्राम में, और टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड में, अकॉर्डिंग टू CGS सिस्टम। ये सबसे पुराना सिस्टम है बेटा, समझ में आ रही बात? ओके, इसके बाद हम आते हैं FPS पर। FPS सिस्टम क्या कहता है? FPS सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई भी लेंथ है उस लेंथ को हम मेज़र करेंगे फुट में, ठीक है। कोई भी लेंथ है उसे मेज़र करेंगे हम फुट में। कोई भी मास है उस मास को हम मेज़र करेंगे पाउंड में, उस मास को हम मेज़र करेंगे पाउंड में। और अगर कोई भी टाइम है तो उस टाइम को मेज़र करेंगे हम लोग सेकंड में। ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारा कौन सा सिस्टम है? ये हमारा FPS सिस्टम है। ये हमारा कौन सा सिस्टम है? ये हमारा CGS सिस्टम है। अब हम बात करते हैं MKS सिस्टम की। अभी एट दैट टाइम सबसे ज़्यादा चलन में जो सिस्टम है उसका नाम है MKS। इस सिस्टम को बनाया था फ्रांस ने, और बाद में धीरे धीरे ये सिस्टम सब जगह फैल गया। इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। यानी 11th और 12th क्लास की हमारी जो फिज़िक्स है वो पूरी इस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। अब ये सिस्टम क्या कहता है ज़रा समझिएगा बेटा। ये सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई भी लेंथ है उस लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में। अगर कोई भी मास है तो उस मास को हम मेज़र करेंगे किलोग्राम में। और अगर कोई भी टाइम है तो उस टाइम को हम मेज़र करेंगे सेकेंड में, ठीक है बेटा। ये समझ लीजिए कि ये सबसे अपडेटेड सिस्टम है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ इस सिस्टम को फॉलो करके चलती हैं बेटा। बहुत सारी कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो करके चलती है कि लंबाई को मापेंगे मीटर में, मास को मेज़र करेंगे किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड में। और इंडिया वाली जो फिज़िक्स हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th स्टैंडर्ड पर, हम तो बेटा इसी सिस्टम की बात करेंगे सभी चैप्टर्स के अंदर। लंबाई मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, ठीक है। अब से मैं 100 साल पीछे चला जाऊं तो बेटा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई। बहुत बड़ी समस्या ये थी कि कुछ कंट्रीज़ इस सिस्टम को फॉलो करती थी, कुछ कंट्रीज़ इस सिस्टम को फॉलो करती थी, कुछ कंट्रीज़ इस सिस्टम को फॉलो करती थी। अब सभी कंट्रीज़ जब अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो कर रही हैं तो उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि एक कंट्री के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया CGS में, दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट ने वही एक्सपेरिमेंट कर दिया FPS में, फिर तीसरे ने कर दिया MKS के अंदर, तो उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी समस्या होती थी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एक, ये समझ लीजिए कि एक एजेंसी बनाई गई बेटा, एक एजेंसी बनाई गई और कहा गया कि भैया ये जो एजेंसी है ये हम इसलिए बना रहे हैं जिससे कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस एजेंसी, ये जो एजेंसी हम लोगों ने बनाई है, ये जो भी रूल बनाएगी उसे फॉलो किया जाए, ठीक है। उस एजेंसी का नाम है SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, SI सिस्टम यानी ये वाली जो एजेंसी है वो जितनी भी यूनिट बनाएगी, अपने यूनिट को आप फॉलो करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SI जो भी यूनिट बनाएगी आप सभी लोगों को उसे मानना ही पड़ेगा। तभी आप लोग अपनी किताब के अंदर पढ़ते हैं द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? हमारी किताबों के अंदर MKS लिखा हुआ नहीं आता है, हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ आता है SI, क्योंकि ये जो SI सिस्टम है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है और हर कंट्रीज़ को इस सिस्टम को मानना ही पड़ता है। इस सिस्टम के अंदर यूनिट का नाम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पाउंड, फुट या ग्राम में ना देकर ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है।
इंटरनेशनल या SI के अंदर यूनिट का जो नाम रखा गया है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है। जैसे न्यूटन साहब ने फोर्स पर काम किया तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, वो न्यूटन के नाम से हो गई। जूल साहब ने एनर्जी पर काम किया तो जूल के नाम से हो गई एनर्जी की यूनिट। समझ में आ रही बेटा बात? एम्पियर ने करंट पर काम किया है तो एम्पियर्स के नाम से हो गई करंट की यूनिट। समझ में आ रही बात? तो ये जो SI सिस्टम है ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड यूनिट है। और मैं एक बार और आपको बता दूं बेटा, ये जो MKS यूनिट है और ये जो SI यूनिट है ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। मतलब ये समझ लीजिए कि भले ही SI के अंदर हम साइंटिस्ट के नाम से यूनिट पढ़ते हैं लेकिन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो MKS और SI बिल्कुल सेम वैल्यू रखते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कुल चार तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके बाद में है SI, SI है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड सिस्टम है और इसके अंदर हम साइंटिस्ट के नाम से किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स को तय करते हैं। और ये SI और ये MKS आपस में है कोहेरेंट। क्या है? कोहेरेंट, यानी दोनों आपस में सेम है, बस नाम बदल गया काम वही है, नाम बदल गया काम वही है। समझ आ गई सभी लोगों को बात? अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में बेटा, ठीक है? जल्दी से नोट करिए फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके बेटा, हो गया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा डेटा बता रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। डेटा क्या है जरा समझिएगा। डेटा ये है, ये जो 1 मीटर है हमारा ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मिलीमीटर हमारा 10^-3 मीटर के इक्वल है, 10^-3 मीटर के इक्वल है बेटा। थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग इसे अच्छे तरीके से। इसके बाद में है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की वैल्यू है 1000 मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 10^3 मीटर। समझ आ रही है बेटा बात? तो ये वैल्यूज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गई लेंथ के बारे में, मैं और भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि हम क्वेश्चन कर सकें, जिससे कि हम न्यूमेरिकल बना पाएं। जैसे अगर हम बात करें फुट की, तो 1 फुट जो होता है बेटा वो लगभग लगभग हमारा, सॉरी, जो 1 मीटर है हमारा, 1 मीटर वो लगभग लगभग हमारा 3.3 फुट के आसपास है, 3.3 फुट के आसपास है 1 मीटर हमारा। इसके बाद जो 1 पाउंड है हमारा, 1 पाउंड है हमारा वो 0.4536 किलोग्राम के इक्वल है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? 0.4536 किलोग्राम के इक्वल है। इसके बाद 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, देखो बेटा ध्यान से, ये जो न्यूटन है ये फोर्स की SI यूनिट है, SI यूनिट। अकेला न्यूटन इतने डाइन के बराबर है, इतने डाइन के बराबर है। ये डाइन क्या है? ये डाइन है CGS यूनिट, CGS यूनिट। ये कहा जाता है कि अकेला न्यूटन इतनी डाइन के ऊपर भारी पड़ गया, इतनी डाइन के बराबर है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। न्यूटन फोर्स की SI यूनिट है और डाइन फोर्स की CGS यूनिट है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? इसके बाद में है 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्क। जूल है हमारे पास में SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये जो अर्ग है हमारे पास में ये है
CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा यूनिट वाला, इस चैप्टर में थोड़ा याद करने का काम ज़्यादा है, समझने का काम कम है, थोड़ा याद करने का काम ज़्यादा है। और जितना बेहतर तरीके से आप याद कर पाओगे उतना अच्छे तरीके से यूनिट्स को आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। 1 मीटर इतने सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर इतने मिलीमीटर के इक्वल है, 1 मिलीमीटर इतने मीटर के इक्वल है, ये किलोमीटर, ये मीटर, फुट, ये पाउंड और किलोग्राम, ये न्यूटन और डाइन, ये जूल और अर्ग। अच्छा, एक छोटी सी बात और आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं न्यूटन लिखा हुआ आता है तो उस न्यूटन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। और अगर कहीं पर जूल लिखा हुआ आता है, जूल, तो जूल की जगह आप लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। और अगर कहीं पर लिखा हुआ आता है डाइन, तो डाइन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डाइन की जगह आप लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो डाइन है ये फोर्स की CGS यूनिट है, इसीलिए किलोग्राम को हमने बदल दिया ग्राम से, मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर से, और सेकंड की जगह सेकंड ही रखा। सिमिलरली अगर कहीं पर जूल लिखा हुआ आता है, सॉरी, अगर कहीं पर अर्ग लिखा हुआ आता है, अर्ग, ERG, अर्ग, तो अर्ग को आप बदल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 से। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन करने के लिए ये इतना डेटा हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो पहले आप इतने डेटा को अच्छे तरीके से याद करिएगा बच्चों, फिर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट करिएगा। पहले ये डेटा अपनी कॉपी में आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। जब तक ये डेटा आपको याद नहीं होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तब तक क्वेश्चंस करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला आप लोगों को। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपका काम यह है कि इस डेटा को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, फिर मैं आपके सामने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, ये सिस्टम समझ में आ गए ना बेटा आप लोगों को, कितने सिस्टम हैं, 4। सबसे पुराना सिस्टम CGS, फिर FPS, नए सिस्टम कौन कौन से हैं, MKS और SI, दोनों भाई भाई हैं, बस ये समझ लीजिए। MKS का ही दूसरा नाम SI है, नाम बदल दिया, काम सब कुछ वही है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, टॉपिक हमारे सामने आता है नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो यार, वैसे तो यूनिट से कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, यूनिट से आते ही नहीं है सवाल। कभी अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई तब सवाल आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर सवाल आ गया तो वो सवाल यहाँ से आएगा, इसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। NCERT में कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ऊपर बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके ऊपर दे रखी है। अगर सवाल बना यूनिट से तो यहाँ से बनेगा, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैसे आता है क्वेश्चन, हम लोग बहुत बेसिक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा, हमारे सामने है 10^6 न्यूटन मीटर, 10^6 न्यूटन मीटर। हमें इसे कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा, यह है डैश, यह है डाइन सेंटीमीटर, इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अरे यार, बहुत आसान है कन्वर्ट करना, तुम यकीन नहीं मानोगे, सच में बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, मैंने माना कि जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है x।
जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है x। अब x की वैल्यू क्या होगी हमारे सामने, x की वैल्यू होगी 10^6। मुझे x निकालना है तो मैं इस वैल्यू को लेकर जाऊंगा इसके अपॉन में। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, न्यूटन के अपॉन में आप रखोगे डाइन को, न्यूटन के अपॉन में रखा डाइन क्योंकि दोनों की दोनों फोर्स की यूनिट है, और मीटर के अपॉन में रखा आपने सेंटीमीटर को, ठीक है। इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, तो यहाँ भी ब्रैकेट की पावर वन, यहाँ भी ब्रैकेट की पावर वन है। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लेकर गए इसके अपॉन में, न्यूटन के अपॉन में रखा डाइन को और मीटर के अपॉन में रखा सेंटीमीटर को। अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा जरा, x इज इक्वल टू 10^6, यह है न्यूटन और यह है डाइन। अभी तो बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जो एक न्यूटन होता है वो 10^5 डाइन के बराबर होता है। अकेला न्यूटन इतनी डाइन पर भारी पड़ेगा, इतनी डाइन के बराबर है, एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर है, ठीक है बेटा। तो हमने न्यूटन की जगह रख दिया है 10^5 डाइन, 1 न्यूटन की जगह हमने रख दिया 10^5 डाइन, अपॉन में है हमारे पास में डाइन। किसी को भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तो ऊपर वाले को कर लो या नीचे वाले को कर लो, बस आपको दोनों यूनिट को सेम करना है। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, डाइन से डाइन कैंसिल आउट। हमारे पास में बन चुका है बेटा x इज इक्वल टू, यह है 10^6, यह है 10^5 और यह है 10^2। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 10^13 एंड द फाइनल आंसर इज 10^13। ये आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू 10^13। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आई हो, और किस तरीके से कन्वर्ट करना है यूनिट को आपको थोड़ा सा तो पता चला होगा इससे, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पर। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास में 100 kg/s² मुझे इसे कन्वर्ट करना है बेटा डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में। ये है मेरे पास में, इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है मुझे, दिख रहा है आप लोगों को, इस वैल्यू को इस वैल्यू में कन्वर्ट करना है मुझे। तो भाई मैंने माना कि कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है x, जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा तो आंसर जो आएगा वो x आएगा। अब देखो बेटा x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, यहाँ है 100, ठीक है, यह है kg और यह है ग्राम, ग्राम को लेकर जाएंगे kg के अपॉन में, ये बन गया kg अपॉन ग्राम, बन गया kg अपॉन ग्राम, ठीक है। इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, तो इसकी भी पावर वन। अच्छा यह है मीटर, यह है सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इसको यहाँ से इसके अपॉन में लेकर गए और इसकी होल पावर है 2, यह है सेकंड और ये भी है सेकंड और इसकी होल पावर है हमारे पास में -2। देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो होल पावर -2। होप सो कि आप लोग बात समझ रहे हो बेटा, इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या वैल्यू बची हमारे पास में, हमारे पास में बचा x इज इक्वल टू 100, हम किलोग्राम की जगह लिखेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ है मीटर, मीटर की जगह हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेम कर ली मतलब मैंने यूनिट, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और मीटर अपॉन सेंटीमीटर करके मैंने इक्वल कर लिया,
इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास में, ज़रा देखो आप भाई, मेरे पास में बचा x इज इक्वल टू 100, ये है 1000, ठीक है, और ये है मेरे पास में 100 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा आंसर, 10 to the power 4, 10 to the power 3, 10 to the power 2, एंड द करेक्ट आंसर इज 10 to the power 4 एंड 3 7 और 2 9, करेक्ट आंसर इज 9, 10 to the power 9, तो ये आएगा बेटा हमारे पास में आंसर, करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में 10 to the power 9। उम्मीद है कि अब आपको कुछ क्लियरिटी आई होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, नोट करिए बेटा, फिर हम लोग बढ़ते हैं और आगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग आ जाते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जांपल है 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है बेटा, और यहाँ है मेरे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर kg^-2, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg^-2 डैश, मुझे इसे कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g^-2 में, ठीक है बेटा, ये वैल्यू है मेरे पास में और मुझे इसको इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, इस यूनिट में मुझे इसे कन्वर्ट करना है, न्यूटन किलोग्राम सेकंड, ये SI यूनिट होती हैं बेटा, डाइन सेंटीमीटर ग्राम, ये CGS यूनिट होती हैं, तो SI को CGS में बदलना है, या आप ये भी कह सकते हैं MKS को CGS में बदलना है हम लोगों को। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम लोग इसे मान लेंगे X, मान लिया X, अब हम निकालेंगे बेटा X की वैल्यू, देखो कैसे निकालेंगे X की वैल्यू, 6.67 × 10⁻¹¹, बताइए न्यूटन के अपॉन में कौन आएगा, उधर से, उधर से न्यूटन के अपॉन में आएगा डाइन, न्यूटन के अपॉन में आ गया हमारे पास में डाइन, आ गया बेटा, यहाँ भी पावर वन और यहाँ भी पावर वन, तो ये होल पावर भी वन। अच्छा अब बताइए मीटर के अपॉन में कौन आएगा, मीटर के अपॉन में आएगा सेंटीमीटर, और ये हो गया पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, अब बताइए किलोग्राम के अपॉन में कौन आएगा, किलोग्राम के अपॉन में आएगा ग्राम, और ये हो गया होल पावर माइनस टू, ये बनेगी बेटा हमारे पास में सिचुएशन, न्यूटन के अपॉन में उधर से डाइन आया, मीटर के अपॉन में सेंटीमीटर आया, और किलोग्राम के अपॉन में ग्राम आया। अब क्या बचा अपने पास में, ज़रा आप ये देखिए, x इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है बेटा, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, हम लिख सकते हैं अकेला न्यूटन, एक न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल है, और अपॉन में भी है हमारे पास में डाइन, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये क्या है भाई, ये है मीटर और ये है सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, हम मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, यह है किलोग्राम और यह है ग्राम, किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की होल पावर माइनस टू, ये बन गई हमारे पास में सिचुएशन। अब देखो बेटा कैंसिल आउट करते हैं और क्या रिजल्ट बनेगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास में, देखिए आप ध्यान से, हमारे पास में बचता है x इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹¹, यहाँ है 10⁵, यह है 10⁻², और देखो 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁴, और 3⁻², का मतलब है 3⁻⁶, ठीक है बेटा, माइनस 11 और माइनस 6,
माइनस के 17, और ये 5 और ये हो गया 2, हमारे पास में 7। बताइए हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा ये स्क्वायर था भैया, ये सॉरी बेटा स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये 10 की पावर 4 आएगा, ये मैंने मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो माइनस 11 और माइनस के 6, माइनस के 17, 5 और 4 9, सो 6.67, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्व करेंगे आगे, ये हो गया माइनस 17 और ये हो गया है प्लस 9। सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, आंसर बन जाएगा 10 to the power -8 आएगा, 6.67 इंटू 10 to the power -8, ये होगा हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि अब यूनिट का कन्वर्जन आप लोगों को करना आ गया हो, कि किस तरीके से हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है और कैसे हम लोगों को एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि यूनिट में ज़्यादातर काम याद करने वाला है, फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख कर देखना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन रिपीट करके तो आपको मेरे पास में भेजने ही भेजने हैं। ये जो 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये भी आप लोगों को बेटा सॉल्व करने हैं और हमारे पास में सेंड करने हैं। 1 क्वेश्चन है आपके पास में ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक प्रॉब्लम तो हो गई है, दूसरी प्रॉब्लम है भैया आपके पास में 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, आपको इसे कन्वर्ट करना है डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 में। ये 2 प्रॉब्लम हैं बेटा आपके पास में जो आप लोगों को करनी है सॉल्व, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन 2 प्रॉब्लम को बना लेंगे। चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।